हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि वीडियो आज किस प्रकार है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बताने वाला हूँ। शिवलिंग पर हम जल कैसे चढ़ाएँ और हमारी मनोकामना भोले बाबा कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम शिवलिंग की तो पूजा बहुत करते हैं, पर हमारे लिए भोले बाबा किसी के लिए फल मिलता है, किसी की मनोकामना नहीं होती। तो मैं आपको आज शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। जो भाई मेरे नए हैं, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइबर और बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे भी मैं जो नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाते हैं, तो मैं आज आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से एंड तक देखें, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पे हम जल कैसे चढ़ाएं। आपने देखा होगा मेरी माता बहनें शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद भोले बाबा से मांगते हैं, भोले बाबा हमें कुछ दे दो मन ही मन में। किसी की तो इच्छा पूरी हो जाती है, किसी की इच्छा नहीं पूरी होती। तो मैं आपको आज शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ट्रिक बता रहा हूँ, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, मेरी माता बहनें बहुत सी तो बेलपत्र के पत्ते नहीं चढ़ाती, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएं तो बेलपत्र के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। उससे भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जब शिवलिंग पर आप जल चढ़ा दें तो जब उसमें थोड़ा सा जल उसमें रह जाता है हमारी में, तो उसमें जो हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उसमें से अपनी इन उंगलियों से थोड़ा सा जल लेके अपने लोटे में लाने के बाद अपने जब हम घर में आए, तो सबसे पहले अगर आप जल ज़्यादा लाए हैं तो दोनों तरफ इस कोहरे से, इस दरवाजे से, दोनों दरवाज़ों की तरफ, गांव की भाषा में कोहरे कहते हैं और शहर की भाषा में दोनों दरवाज़ों की तरफ कहते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रहे आप जब घुस अपने घर में घुसें तो सीधे हाथ को ही जल छिड़कें, फिर बाद में बाएं हाथ को जल छिड़कें। फिर अपने घर में अगर आपके पास ज़्यादा जल है तो थोड़ा थोड़ा आप पूरे घर में छिड़क दें और उससे भोले बाबा की आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जब भोले बाबा आप जल चढ़ा दें तो भोले बाबा से आपने कुछ मांगा होगा, तो आपने देखा होगा बेलपत्थर, हम नूही जल ये बेल चढ़ा देते हैं। तो बेलपत्थर के मैं आपको पत्ते दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारी तीन पत्ती होती हैं, आप देख रहे होंगे हमारे तीन पत्ती का पौधा होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो ये वाली पत्ती हमारी सही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमारे ब्रह्मा होते हैं विष्णु महेश, इसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माता होती हैं, और जो हमारी ये पत्ती होती है बीच की डंडी, उसमें सभी देवता और देवी देवता वास करते हैं। तो ये भोले बाबा को अति प्रसन्न पत्ता होता है। तो जब भी भोले बाबा आप पत्ता चढ़ाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और अपने घर में बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। अगर अब आपको भोले बाबा पर ये बेलपत्र कैसे चढ़ाना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम भोले बाबा पर जल चढ़ावें तो भोले बाबा पर ये बेलपत्र आपको यूँ पकड़ना है, ये इस प्रकार डंडी रहे भोले बाबा उनकी तरफ और पत्ते यूँ, तो भोले बाबा यूँ चढ़ावें और अपनी मन ही मन में आपको ध्यान रहे ये पत्ते आपके इस तरह होने चाहिए, हमारे ये पत्ते हाथ से तीनों टच होने चाहिए ऐसे करके। तो जब हमारे हाथ से टच हो जाएंगे तो अपने ही मन में भोले बाबा से जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगें और भोले बाबा थोड़ा सा नू करके ये चढ़ा दें और फिर हाथ जोड़ लें, हे भोले बाबा हम पे हमारी आप अपनी कृपा करो, हमने जो आपसे मांगा है हमारी इच्छा पूरी करो। मैं भोले बाबा आपकी इच्छा कह रहा हूँ आपसे कि आपके भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न हो गए, आपकी मनोकामना और इच्छा पूरी करेंगे। और आप पे मान लो कोई एक और भोले बाबा की बात है, अगर आपसे गलती हो जाती है कोई भी, तो भोले बाबा इतने भोले होते हैं, आपने देखा होगा कि रावण को भी उन्होंने वरदान दिया था, तो हम तो एक बहुत ही वो हैं, जब रावण को उन्होंने वरदान दिया था तो चले गए थे, तो भोले बाबा आप क्षमा के लिए कैसे, जब हमसे कोई गलती हो जावे तो भोले बाबा से क्षमा ही मांग सकते हैं। तो देखो कैसे मांग सकते हैं क्षमा भोले बाबा, ये पत्ते देख रहे हैं आप, तो ये पत्ते हम आप पत्ता उल्टा कर लेंगे, आप इस पत्ते को यूँ करके, तो ये अपने ये जो
ये जो ऊपर वाला पत्ता है आप ध्यान से देखें, ये जो ऊपर वाला पत्ता है, पत्ता हम इसको यू पहले हमने सीधा करा था यूँ, भोले बाबा जब चढ़, एक बार ध्यान से सुनो, जब भोले बाबा हम जल चढ़ाएंगे तो ऐसे करके नू करके ये ऐसे करके जब भोले बाबा को चढ़ाएंगे, जब हम भोले बाबा से अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे तो हम इस प्रकार को अपनी तरफ रखेंगे पत्ते को, ये बड़ा पत्ता हमारी तरफ रहेगा और भोले फिर ऐसे करेंगे, फिर भोले बाबा से यूँ करके मांगेंगे कि हे भोले बाबा जो भी आपसे गलती हो उसे कह के कि लो भोले बाबा हमें क्षमा करो और हम आपकी शरण में आए हैं, भोले बाबा हमें क्षमा करो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भोले बाबा आपकी क्षमा बिल्कुल ही बहुत ही जल्दी क्षमा कर देंगे और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान दे देंगे। तो दोस्तों मेरी भोले बाबा से रिक्वेस्ट है आप पे कृपा बनाए रखेंगे, भोले बाबा ये पत्ती जरूर चढ़ाएं, खाली जल नहीं चढ़ाएं और आपसे हो सके मेरी माता बहनों से तो अपने घर में एक बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं। बेलपत्र के बहुत से मेरी माता बहन कहती हैं कांटे का पौधा हम नहीं लगाते, तो बेलपत्र का बहुत ही शुभ होता है। चलो मान लो अपने घर में नहीं लगाते तो आप सबसे छत पर ऊपर लगा सकते हैं, अगर आप छत पर नहीं लगाए तो किसी के यहाँ पे अपने जैसे प्लॉट हो वहाँ लगा सकते हैं, अगर आप वहाँ पे भी नहीं लगाएं तो आप एक मंदिर में पौधा गमले में लगा हुआ बड़े गमले में लगा के आएँ और भोले बाबा जल चढ़ाएँ, जिससे कि आपकी के सारे और भी माता बहनें पत्ता आपसे भोले बाबा पर चढ़ जल चढ़ सकें। और मैंने इतनी बात बताई, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी कि मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊँ तो आपसे पहुँच सके। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपके लिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की बहुत सी मेरी माता बहनें जानती हैं। तो दोस्तों मैं आप जिन बहन भाइयों को लक्ष्मी जी और गणेश जी के बारे में नहीं पता और मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उन पर भी लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा कैसे होगी, आप देखो मेरी वीडियो को ध्यान से देखो। ये हैं हमारी लक्ष्मी जी, आप देखो देख रहे होंगे आप, ये हैं हमारी लक्ष्मी जी और ये हैं हमारे गणेश जी। देखो अब हम देख रहे होंगे हमारी लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, देखो आपको ध्यान रहे लक्ष्मी जी गणेश जी कैसे अपने घर में रखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रहे जब भी हम लक्ष्मी जी गणेश जी लाएं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति की ढिग कैसे रखें, कहाँ पे रखें, कैसे रखें, अब वीडियो शुरू से एंड तक देखें, बिल्कुल इसको एक सेकंड के लिए स्किप नहीं करना। जब भी हम गणेश जी की मूर्ति रखें तो लक्ष्मी जी की बाईं तरफ होनी चाहिए, आपको ध्यान रहे। बहुत से अलग अलग, जैसे मान लो इधर रख देते हैं, इधर रख दे, मैं तो इधर आपको करके नहीं दिखा रहा, बहुत से एक आपको बता रहा हूँ ये गणेश जी की मूर्ति इधर रख देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ लक्ष्मी जी की मूर्ति गणेश जी के बाईं तरफ रखनी चाहिए। आप देख रहे होंगे हमेशा, देखो जब आप कह रहे होंगे बाईं, आप देख रहे होंगे लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति इसी प्रकार रखें और अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी का वास करें, लक्ष्मी जी और गणेश जी के वास से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आप लक्ष्मी माता और गणेश जी की कृपा रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को देते हैं विराम, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक मेरे चैनल करें सब्सक्राइब, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। चलो जय हिंद, वंदे मातरम।